फली जो स्वस्थ वसा और गुणवत्ता वाले प्रोटीन से भरपूर होती हैं। मिट्टी के कई लाभकारी घटकों को इकट्ठा करके हमारे टेबल पर आती हैं। प्राचीन काल से मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इस पोषक तत्व का एक नया लाभ प्रतिदिन खोजा जा रहा है। मूंगफली जो अपने उच्च यौगिक पूल के साथ हृदय स्वास्थ्य से लेकर मधुमेह तक कई बीमारियों के लिए अच्छी है, सही समय और मात्रा में सेवन करने पर कई चयापचय समस्याओं का इलाज कर सकती है। मूंगफली के सेवन के क्या फायदे हैं, कैसे, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। एक दिन में मुट्ठी भर मूंगफली खाने के क्या फायदे हैं? यह पोषक तत्व स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत है जो हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ओलिक एसिड ओमेगा 3 के साथ शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को लाभान्वित करते हुए खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन ई और फ्लेवोनॉइड शरीर में सूजन को कम करते हैं। मूंगफली में कई खनिज जैसे मैंगनीज पोटेशियम और तांबा जो आपके दिल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है मूंगफली में प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये पदार्थ हृदय संबंधी कार्यों का समर्थन करके वाहिकाओं में तनाव को कम करते हैं। वाहिकाओं को शिथिल होने की अनुमति देकर रक्तचाप को संतुलित करने में यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेता है। वहीं मूंगफली में मौजूद डाइटरी फाइबर और पॉलीसेकेराइड आंतों की वनस्पतियों की रक्षा करते हैं और पाचन को आसान बनाते हैं। यह पाचन तंत्र के सक्रिय कामकाज का समर्थन करता है। यह पेट और आंतों में सूजन को दूर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद स्वस्थ तेल पाचन तंत्र में लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाते हैं और आंतों के सभी कार्यों में सुधार करते हैं। इसकी उच्च फोलिक एसिड सामग्री के साथ यह पेट में हानिकारक एसिड के प्रसार को रोकता है। यह गैस्ट्राइटिस और पेट के अल्सर जैसी पेट की समस्याओं से बचाता है। दूसरी ओर यह फैटी एसिड से भरपूर होता है जिसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करना और शरीर द्वारा इसका उपयोग करने के तरीके को नियंत्रित करना। मूंगफली में फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों के लिए धन्यवाद। वे ग्लाइकेशन गठन प्रक्रिया के जोखिम को कम करते हैं। यह चीनी के धीमे अवशोषण को सुनिश्चित करता है और रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव को रोकता है। एक मुट्ठी मूंगफली को पूरी तरह से पचने में लगभग 7-8 घंटे का समय लगता है। इस समय के दौरान यह धीरे धीरे हमारे रक्त को दिया जाता है, तृप्ति प्रक्रिया को लंबा करता है और हमारे शर्करा को धीमा करता है। इसके अलावा यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के साथ मांसपेशियों के ऊतकों की रक्षा करके बेसल चयापचय की गति को बढ़ाता है। स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए मुट्ठी भर मूंगफली। इस भोजन में नियासिन होता है जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट क्षमता भी होती है। इस तरह यह कम सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन के स्तर के कारण होने वाले अवसाद से लड़ता है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफन शरीर को आराम देता है और अनिद्रा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वहीं मूंगफली जिसमें कैल्शियम पोटेशियम आयरन मैंगनीज जिंक और मैग्नीशियम जैसे बहुत मजबूत यौगिक होते हैं प्रतिरक्षा गतिविधियों को सुगम बनाकर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें मौजूद स्वस्थ वसा कोशिका संरचना के निर्माण में मदद करते हैं। इसमें मौजूद आयरन स्वस्थ और मजबूत हड्डियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास तौर पर इसमें मौजूद कैल्शियम और कॉपर मिनरल जोड़ों के दर्द को कम करता है। ये क्षमताएं हड्डी के ऊतकों को संरक्षित करने में मदद करती हैं। तो क्या मूंगफली के ऐसे लाभकारी दुष्प्रभाव हैं? सबसे पहले बाजारों और स्टालों में बिकने वाली नमकीन भुनी और भुनी हुई मूंगफली की किस्मों में ये फायदे होते हैं। इन किस्मों की खपत की सिफारिश नहीं की जाती है। इसके अलावा मूंगफली जो उच्च गुणवत्ता वाले वसा और प्रोटीन के कारण कैलोरी में बहुत कम नहीं है, अधिक मात्रा में सेवन करने पर वजन की समस्या हो सकती है। दूसरी ओर यदि मूंगफली जो हमारे संपूर्ण पाचन स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक गतिविधियां हैं का कम समय में बहुत अधिक सेवन किया जाता है तो वे आवश्यकता से अधिक पाचन तंत्र पर आक्रमण करते हैं और इसमें पानी की मात्रा कम होने के कारण आंतों में परेशानी हो सकती है। तो मूंगफली का सेवन कितना करना चाहिए? विशेषज्ञ 2-3 दिनों के लिए या अब
अपनी प्राकृतिक अवस्था के करीब आधा मुट्ठी मूंगफली का सेवन करने की सलाह देते हैं। इस जानकारी के आलोक में आप मूंगफली को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।